जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, शब्द निर्माण प्रक्रिया में हमने उपसर्ग पाठ का अध्ययन कर लिया है, उससे आगे अब हम दूसरी शब्द निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है प्रत्यय। तो आज हम पाठ 6 प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो इस तरह इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप, समूह प्लस एक। यदि समूह मूल शब्द में के अंत में हम एक प्रत्यय जोड़ दें तो नया शब्द बनेगा हमारा सामूहिक। परिभाषा के बाद अब हम जानेंगे कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, नंबर एक कृत प्रत्यय, नंबर दो तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। तो देखिए, कृत प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो क्रियाओं के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, इन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। इन प्रत्ययों को बच्चों कृदंत भी कहा जाता है। ये कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। नंबर एक कर्तरीवाचक कृदंत प्रत्यय, नंबर दो कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, नंबर तीन करणवाचक कृदंत प्रत्यय, नंबर चार भाववाचक कृदंत प्रत्यय और नंबर 5 क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। तो बच्चों देखिए, कर्तरीवाचक कृदंत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों को लगाने से कर्ता का बोध होता है उन्हें कर्तरीवाचक प्रत्यय कहते हैं। ये प्राय संज्ञा शब्द ही होते हैं। बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी हम कर्तरीवाचक प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं तो ये हमें कर्ता अर्थात काम करने वाले का बोध कराते हैं कि उस काम को कौन कर रहा है। जैसे पाठ प्लस अख पाठक, लूट प्लस एरा लुटेरा। तो इस तरह से हमें कर्ता कारक का पता चला। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम कर्मवाचक क्रोदंत प्रत्यय। जो प्रत्यय कर्म अर्थात काम का बोध कराते हैं उन्हें कर्मवाचक प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय भी प्राय संज्ञा शब्द ही होते हैं। कर्म अर्थात जो भी व्यक्ति कर्म करता है, काम करता है, उसके विषय में बताने वाले प्रत्यय, उस काम के विषय में बताने वाले शब्द जिन्हें इन प्रत्ययों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें हम कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे खेल प्लस ओना। अगर खेल शब्द में हम औना प्रत्यय लगाते हैं तो हमें क्या कर्म मिलता है बच्चों? खिलौना। सोने वाली क्रिया में हम अगर ना प्रत्यय लगाते हैं तो हमें क्या कर्म मिलता है? सोने का कर्म मिलता है कि कर्म सोने का हो रहा है, कार्य सोने का हो रहा है। इस प्रकार ये प्रत्यय कर्म का बोध कराते हैं। तीसरा पॉइंट है बेटा करणवाचक कृदंत प्रत्यय। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर क्रिया के साधन का बोध कराते हैं उन्हें करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। करण मतलब बेटा साधन, किस साधन के द्वारा हमने क्रिया को संपन्न किया है, जो काम हो रहा है वो किस साधन से हो रहा है। तो इसका एक उदाहरण देखिए बेटा, जैसे झूल प्लस आ। अगर झूल शब्द में हम आ प्रत्यय जोड़ दें तो ये झूलने का जो काम है वो किससे पूरा हो रहा है? झूला, जो झूला है उससे हम झूलने का कार्य पूरा कर रहे हैं। आ प्रत्यय जोड़ने पर झूला शब्द हमें प्राप्त हुआ। नंबर 4 देखिए बच्चों, भाववाचक कृदंत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के लगाने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है उन्हें भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे चढ़ शब्द में अगर हम आव प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है चढ़ाव। मिलना शब्द में हम अगर आवट प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द का निर्माण होता है मिलावट। इस तरह से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है।
कृत प्रत्यय का लास्ट पॉइंट देखिए बच्चों, क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया का बोध कराते हैं उन्हें क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे खाने की क्रिया हो रही है, खा में अगर हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द क्या मिलता है, कौन सी क्रिया पता चलती है, खाता। पढ़ में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या क्रिया मिल रही है हमें, पढ़ना। तो ये दोनों हमें क्रियाएं मिली हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमें किसी मूल शब्द के साथ अगर हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो वहां पर हमें क्रिया का बोध होता है, क्रिया का पता चलता है कि कौन सी क्रिया हो रही है। इस तरह से हमारा कृत प्रत्यय पूरा हुआ। अब हम पढ़ेंगे नंबर सेकेंड, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण आदि से जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों तद्धित प्रत्यय भी पांच प्रकार के होते हैं। का कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, बच्चों इसमें कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सोना, सोना एक धातु है, संज्ञा शब्द है, सोना के साथ अगर हम आर प्रत्यय जोड़ दें तो हमें क्या शब्द प्राप्त होगा, सुनार। तो सुनार से बच्चों पता चल रहा है कि ये कर्ता है, सोने का काम करने वाले को क्या कहते हैं, सुनार। इसी तरह आप दूसरा उदाहरण देखिए, जादू, जादू के साथ अगर हम गर प्रत्यय जोड़ दें तो कर्ता क्या प्राप्त होगा हमें, जादूगर। नंबर खा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, तो बच्चों देखिए जो प्रत्यय संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर सांप क्या है, संज्ञा शब्द है, अगर सांप शब्द के साथ हम एरा प्रत्यय जोड़ दें तो ये इससे बनने वाला शब्द क्या होगा, सपेरा। तो यहाँ पर सांप का सपेरे से संबंध है। बहन के साथ अगर ओई प्रत्यय जोड़ दें तो क्या शब्द बनेगा, बहनोई। तो यहाँ पर बहन का जिससे विवाह हुआ उसे बहनोई कहा जाता है, यहाँ पर इन दोनों शब्दों का संबंध है और यहाँ इन दोनों शब्दों का संबंध है। तो इस तरह से ये प्रत्यय संबंध को दर्शाते हैं, इन्हें संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। नंबर गा है बच्चों भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बच्चा प्लस पन, अगर बच्चा शब्द में हम पन प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बनेगा, बचपन। कठोर में अगर हम ता प्रत्यय जोड़ दें तो शब्द बनेगा हमारा कठोरता। तो ये हमारे फीलिंग्स हैं, ये हमारे भाव को प्रकट करने वाले शब्द हैं। नंबर घ है बच्चों अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, ये प्रत्यय किसी नाम के अंत में जोड़ने पर बनते हैं, इससे उत्पन्न होने का बोध होता है। जब कोई चीज किसी से उत्पन्न हुई हो, पैदा हुई हो, तो उन चीजों का पता इससे चलता है। जैसे बच्चों आप देखेंगे जनक प्लस ई, अगर जनक में हम ई प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बनेगा, जानकी। जानकी कौन थी, जनक से उत्पन्न, जनक की पुत्री थी इसलिए जनक से उत्पन्न हुई तो उनका नाम हुआ जानकी। इसी तरह पंक प्लस ज, पंक माने कीचड़, कीचड़ ज माने जन्म, कीचड़ से जन्मा, जिसका जन्म कीचड़ से हुआ हो उसे क्या कहेंगे बच्चों, पंकज। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये प्रत्यय किसी नाम के अंत में जोड़ने पर बने, जैसे जनक के अंत में ई प्रत्यय जोड़ा तो जानकी बना और पंक के अंत में ज प्रत्यय जोड़ा तो पंकज शब्द का निर्माण हुआ। इसलिए इन्हें अपत्यय वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों कुछ अन्य प्रत्यय भी हैं जिनके द्वारा हम शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे ई, ईया, ड तथा तम से भी नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए बेटा, रस्सा प्लस ई इज इक्वल टू रस्सी, दुख प्लस ईया इज इक्वल टू दुखिया। तो इस तरह से हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। बच्चों कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में ध्यान देने योग्य बात यह है कि कृत प्रत्यय
क्रियाओं के अंत में जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। तो इस प्रकार पाठ 6 प्रत्यय हमारा समाप्त हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।